Okay, objective assignment number. Objective assignment number कौन सी कर रहे हैं? वन वन एट हो गई सारी. सॉरी, 118 हो गई. असाइनमेंट नंबर 119 से करनी है पहला क्वेश्चन. ओके, क्या है पहला क्वेश्चन फर्स्ट? ओके, ऑब्जेक्टिव 119, क्वेश्चन नंबर 1. टू लाउड स्पीकर्स L1 एंड L2 ड्रिवन बाय अ कॉमन ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 एंड द डिटेक्टर डी रिकॉर्ड द सीरीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो एक दो लाउड स्पीकर हैं, साउंड निकालेंगे, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा नंबर ऑफ बीट्स या मैक्सिमम मिनिमा जो भी होगा उसमें. सो इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 300, कितना के बने 30, देन द फ्रीक्वेंसी एट विच द फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू व्हाट. तो पहला मैक्सिमा कहाँ ऑब्जर्व होगा ये आपको बताना है. तो इस केस में डी L1, तो अगर आप इसमें एक फिगर बनाएं तो ये L1 है, ये L2 है एंड इनके बीच पे डिस्टेंस 9 मीटर है एंड दिस इज डिटेक्टर डी और ये कितना गिवन है 40 मीटर है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना आएगा 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 41 मीटर आ रहा है. ठीक, तो इसमें अगर मैं ये पूछूं कि पाथ डिफरेंस कितने दो वेव्स के अंदर, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू L2D माइनस L1D. L2D की जगह 41 मीटर, L1D की जगह 40 मीटर, तो सॉल्व करके कितने मीटर आएगा 1 मीटर आएगा. तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू इसमें 1 मीटर आ जाती है. और आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी एट विच फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड. तो पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमने क्या करना है मैक्सिमा, और मैक्सिमा भी कौन सा फर्स्ट मैक्सिमा. मैक्सिमा की कंडीशन होती क्या है, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट n lambda. तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, फर्स्ट मैक्सिमा क्योंकि. तो पाथ डिफरेंस कितने 1, ये देखो पाथ डिफरेंस 1 है. 1 इज इक्वल टू n की जगह 1 इंटू कितना lambda. पाथ डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा में होता ही n lambda सिर्फ. ठीक, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर. नाउ वी कैन अप्लाई एफ इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वी की वैल्यू 330 डिवाइडेड बाय 1, तो इतने हर्ट्स आपके पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. दिस इज द आंसर. ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, साउंड लेवल का फॉर्मूला लगेगा इसमें.
देखो क्वेश्चन नंबर टू में ये गिवन है कि कहां से स्टार्ट है क्वेश्चन. फोर्स सोर्स लेवल एट अ पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेस. नहीं ये फोर नहीं होना चाहिए इसमें. फोर सोर्स लेवल्स चलो मत, दो तरीके से करके दिखा दूंगा. पता नहीं स्टेटमेंट अजीब सी लग रही है. फोर सोर्स लेवल्स एट अ पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेस 20 डेसिबल. मतलब क्या तो क्या बताना चाहता है. साउंड लेवल चार सोर्सेस का 20 डेसिबल है. देन द साउंड लेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स विल बी अबाउट व्हाट. तो आंसर मुझे अब मालूम नहीं यार, मुझे करके देखना पड़ेगा, पता नहीं. देखो इसमें ना ये फोर सोर्स लेवल मुझे अजीब लग रहा है, बट इन एनी केस मैं आपको तरीका बता देता हूं. इसमें फोर को हम काट देते हैं, एक सोर्स एक ही साउंड लेवल लेते हैं हम. फोर से फर्क पड़ेगा नहीं, मैं बताता हूं क्यों. तो कोई भी एक सोर्स है, एक सोर्स 10 मीटर दूरी पे साउंड लेवल कितना जनरेट करता है, लेट अस सपोज 20 डेसिबल जो कि गिवन है. ठीक, ये पहला केस है. ये फोर का मतलब मुझे मालूम नहीं क्या है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ गलत लग रहा है इसमें. तो सोर्स लेवल एट अ पॉइंट से शुरू करते हैं. तो एक सोर्स है जो कि 10 मीटर पे ये 20 डेसिबल साउंड इसमें साउंड लेवल आता है. अब मुझे एक चीज पता है, ये जो सोर्स होता है ना, अगर गिवन ना हो तो सोर्स जो होगा वो ना पॉइंट सोर्स माना जाता है हमेशा. और जो पॉइंट सोर्स होता है ना वो ना साउंड को हर तरफ प्रोपगेट करता है. तो मैंने बड़ा जरूर बनाया है, बट इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पॉइंट सोर्स. और पॉइंट सोर्स मैंने बताया हर तरफ प्रोपगेट करता है, आगे पीछे हर जगह. तो इसका जो शेप होगा वेव का वो क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा. इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं. और हमने ये डिस्कस किया हुआ है. और जो सोर्स है उसकी पावर पी फॉर पावर इज लेट अस सपोज कॉन्स्टेंट. तो ये जो इंटेंसिटी निकालेगा, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर डिवाइडेड बाय क्या, एरिया. बिल्कुल सही, एरिया. तो यानी कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूं मैं, एरिया. तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4π इनटू आर का स्क्वायर. तो मुझे ये पता है कि पहले केस में डिस्टेंस 10 मीटर है सोर्स से, दूसरे केस में डिस्टेंस कितने मीटर करना है, 20 मीटर करना है. तो मान लो पहले केस में इंटेंसिटी की वैल्यू I1 है, दूसरे केस में इंटेंसिटी की वैल्यू I2 है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है यहां तक. तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4πR स्क्वायर ना, तो दो इक्वेशंस डिवाइड करेंगे आएगी. तो इंटेंसिटी I2 और I1 दोनों केसेस में अगर हम लिखें तो R1 की जगह 10, R2 की जगह कितना है यहां पर 20. तो पहले डिस्टेंस कितने 10 है, अब डिस्टेंस कितने 20 है होल स्क्वायर. तो यहां से क्या आएगा, 1/4 आ जाएगी रेशियो. ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो इंटेंसिटी की हमने रेशियो निकाल ली. अब पहले केस में, केस नंबर 1 में मुझे यह पता है कि जो साउंड लेवल है उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 10 नेचुरल लॉग ऑफ, नहीं लॉग टू द बेस 10 ऑफ इंटेंसिटी I1 है विद रिस्पेक्ट टू क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, I0 होती है. सेकेंड केस में साउंड लेवल 1 है, साउंड लेवल 2 विल बी इक्वल टू 10 लॉग ऑफ सेकेंड इंटेंसिटी, लेट अस सपोज कितनी होगी, I2 होगी और रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड I0. अगर मैं इन्हें माइनस कर लूं, साउंड लेवल 2 माइनस साउंड लेवल 1, तो मेरे पास 10 लॉग ऑफ, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी I2 बाय I0 माइनस 10 लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I0. तो यहां से साउंड लेवल 2, साउंड लेवल 1 मेरे को इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20 डेसिबल गिवन है, इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज I2 डिवाइडेड बाय क्या जाएगी, रेशियो I1. यहां से रेशियो निकालेंगे तो आपके पास रेशियो क्या आएगी, ये रेशियो आ जाएगी. ठीक है यहां तक. या फिर साउंड लेवल 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ 10 और ये रेशियो कितने गिवन है, 1:4 गिवन है. ठीक है यहां तक, 1:4 गिवन है. तो यहां से आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना पड़ेगा आपको, साउंड लेवल जो 2 होगा 20 माइनस 10 ऑफ लॉग
इसकी रेशियो 4 कर ले, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा टर्म, ठीक। तो 20 माइनस ये 20 log of क्यों, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 नीचे आ गया, 2 into 10 20, और यहां पर क्या बच गया 2। log 2 to the base 10 क्या होता है 0.3010, जो सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली बताना किसके आसपास आंसर आ रहा है माइनस करके। नहीं, 4 सोर्स लेवल का बताता हूं ना, फिर क्या कर रहा है 2 मिनट। नहीं, मैंने, मेरे को ऐसा लगा 4 सोर्स लेवल होने नहीं चाहिए, पर अगर होंगे तो मैं बता देता हूं उसमें करना क्या है। 2 मिनट बोलो। 14, हाँ 14 डेसिबल इसका आंसर है। 4 सोर्स लेवल ना, गलती से 4 लिखा गया, 4 होना चाहिए था एक्चुअल, मुझे लगता है FOR, ठीक है। तो 4 का इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं वैसे बता देता हूं कि इसमें अगर क्वेश्चन में आता है कि 4 सोर्स लेवल में क्या करना है, ये भी सुन लो। अगर मान लो वो कहता है कि पहले सोर्स 1 था, अब सोर्स मान लो 4 हो जाते हैं, तो आपकी इंटेंसिटी जो होगी वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब होता है जो पहले इंटेंसिटी थी, 4 सोर्सेस, 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी बाहर निकाल लेंगे, इसका मतलब ये है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a by b, तो log ऑफ ये पूरी टर्म इससे डिवाइड करोगे, i not कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेन, दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, देखो जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अ ट्रेन ए क्रॉसेस अ स्टेशन विद अ स्पीड ऑफ 40 एंड विसल्स अ शॉर्ट पल्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इज 596 एंड अनदर ट्रेन बी इज अप्रोचिंग द सेम स्टेशन विद द सेम स्पीड अलोंग अ पैरेलल ट्रैक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपके पास एक ए है, ट्रेन ए मूविंग विद 40 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज सपोज बी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 152 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 99 मीटर गिवन है, और ये 40 गिवन है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन निकालेगी वो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है 596 हर्ट्स है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 330 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक। तो ये वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट एक आमने सामने नहीं है, ट्रेन्स ऊपर नीचे हैं, तो मैंने क्या बताया था वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे आमने सामने। तो मैं ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, सच दैट ये डिस्टेंस 152 है, तो मान लो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना है 90, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी का और ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां पर आएगा 40 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा 40 इंटू कॉस ऑफ कितना 90 माइनस थीटा।
ठीक, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए, ठीक। तो यानी कि जो ए सोर्स है, आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया, ए सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 इनटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड सिमिलरली बी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 इनटू व्हाट, साइन ऑफ थीटा। अब आपको इसमें थीटा चाहिए होगा, तो थीटा निकल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, तो यहां से टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 152, क्योंकि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 152, कॉट थीटा की रेशियो आ गई, तो अंडरस्टूड है कि आप कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी रिक्वायर्ड है यू कैन कैलकुलेट, राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक। तो यहां से अब एक सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे मालूम है 330 मीटर्स पर सेकेंड है। तो जब आमने सामने आते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, ये फॉर्मूला लगता है, याद करो ये फॉर्मूला लगता है। तो इसमें v का मतलब 330, ऑब्जर्वर कोई भी ऑब्जर्वर मान लो, दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, 330 माइनस 40 इंटू कितना, अगेन साइन ऑफ थीटा, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 596। साइन थीटा यहां से निकाल के पुट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन है, एक रोड है और यहां पर ना बिल्डिंग्स हैं, ये देखो ये बाहर की तरफ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, आप टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको इसका हेलीकॉप्टर से, कि आपको ऐसे बिल्डिंग्स ऐसे दिखेंगे नीचे, ठीक। तो ये बिल्डिंग्स हैं कुछ इस तरीके से, और इसका ये टॉप व्यू है बिल्डिंग का, ठीक। और आप देखेंगे कि इस रोड के अंदर बिल्डिंग चल रही है, तो इसमें अ मोटरिस्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर साउंड द हॉर्न। तो इसमें ए मान लो यहां से एक हॉर्न बजाता है, और ही हेयर्स द इको 1 सेकेंड आफ्टर ही हैज साउंडेड द हॉर्न। तो साउंड जाती है, टकराती है, और इतनी देर में मोटरिस्ट यहां पर आ जाता है एट पॉइंट व्हाट, सी। तो
तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ऊपर वाले बिल्डिंग से भी टकरा सकती है और नीचे वाले बिल्डिंग से भी टकरा सकती है, कोई भी एक केस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो सेंटर में चल रहा है मोटरसाइकिल वाला। तो यहाँ से इको हुई, इको का मतलब है कि टाइम, देखो इको तब होती है जब दो साउंड सुनाई देती हैं ऑब्वियसली। तो होगा क्या कि यहाँ से हॉर्न बजेगा, फिर उसके बाद एक हॉर्न तो उसको वहीं सुन गया जब बजा था, लेकिन जब वो इधर से इधर आ गया फिर साउंड ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उससे, तो उसको लेट सुनाई देगा, तो इको सुनाई दी आपको, ठीक है, यहाँ तक टकरा के आएगी क्योंकि। तो अब होगा क्या इसमें, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट कैलकुलेट करना जरा, कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, हाँ, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर उसको इको सुनाई दी यहां पर, इन वन सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, एस इज इक्वल टू वी टी अप्लाई कर ले, तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी कार की कितनी है 10 और टाइम इज इक्वल टू 1, तो यानी कि 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितने मीटर आ जाएगा, 10 मीटर, तो ये कितना जाएगा 5 मीटर, ये कितना जाएगा 5 मीटर। और मा कौन सा, तुम्हें क्या पता 5√2 होगा, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि वर्टिकल डिस्टेंस कितने है, वही तो निकालना है, यही तो निकालना है कि दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितने है बताओ, तो दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस या हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2। अगर यही पता लगेगा फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में आपको ये करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस D² / 4, सिमिलरली 5 का स्क्वायर प्लस D² / 4, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। पिछले का क्वेश्चन का आंसर लास्ट का 724 के आसपास लिखा है, हो सकता है 680 भी हो यार, नॉट श्योर, पक्का नहीं है, 680 है, 680 कर लेता हूँ, पिछले क्वेश्चन का आंसर 680 या समथिंग आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली निकाला है मैंने इसमें। तो इसमें जो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल किया, जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने है, 2 times अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, D² / 4 एक ही बात है, साउंड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अच्छा साउंड तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, तो साउंड कितनी देर में यहां से यहां पहुंची, एक सेकेंड में पहुंची। तो साउंड के लिए एक और तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्या, S = VT, 30 × 1, तो इक्वेट कर दें, एक आपने मैथमेटिकल डिस्टेंस कवर करवा दिया, एक S = VT से करवा दिया, इक्वेट करें डी आ जाएगा, डी की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई 329.8 मीटर, और आपको तो टोटल डी ही निकालना है, दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस इतना आ जाएगा। पर मेथड समझ में आ रहा है कि बाय ज्योमेट्री निकाल दिया और बाय S = VT निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, आपके पास डी आ जाएगा। देखो हॉर्न बजा, साउंड यहां से टकरा के यहां पे आई, तो एक्चुअल डिस्टेंस ज्योमेट्री से कितना कवर किया, इतना, लेकिन S = VT से इतना, क्योंकि एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वेट करके डी आ गया। फिर वो कहते हैं फिर हॉर्न बजता है, या मान लो एक मिनट के लिए फिर से यहां पर कह रहे व्हेन विल ही हेयर द इको सेकेंड टाइम, फिर सेकेंड टाइम कब सुनाई देगी, फिर सेम सिमेट्री, एक सेकेंड में सुनाई दी, फिर अगला एक सेकेंड में फिर सुनाई देगी, लेकिन ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कार से कार पे साउंड टक्कर मारेगी, हिट करेगी, फिर कार को हिट करके कार में विल एक्ट लाइक अ सोर्स, फिर दीवार से टक्कर होगी, बिल्डिंग से होगी, और फिर उसी कार तक पहुंचेगी। तो हर बार एक एक सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो चेंज हो नहीं रही, लॉस हम लेते नहीं है, तो इस तरीके से एक एक सेकेंड के बाद इको सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डी निकालना था, डी तो मैथमेटिकल आ ही जाएगा। सेकेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टाइम 1 सेकेंड। ये सिमेट्रिकल फिगर इसलिए है क्योंकि ना तो साउंड अपनी स्पीड चेंज कर रही है ना कार, तो अगर मान लो साउंड स्लो चल रही होती तो कार भी स्लो हो जाती,
साउंड तेज चल रही है तो कार भी उस तरीके से, तो एक्सेलरेटेड मोशंस में ये सिमेट्री बन सकती है, पर नॉर्मल वेलोसिटी कांस्टेंट के अंदर ये सिमेट्री ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। हाँ मुझे नहीं पता, नहीं देखना इतना प्लीज। ये डी बाई 2 आ रहा है सॉल्व करके, पक्का कैलकुलेटर से किया है? चलो ठीक है, फिर डी को नोट कर लो, 2 × ये लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में, सोनोमीटर वायर अंडर अ टेंशन ऑफ 64 न्यूटन वाइब्रेटिंग इन अ फंडामेंटल मोड। सोनोमीटर वायर का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड। तो सोनोमीटर का मतलब स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड है, और जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होती है, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सोनोमीटर वायर अंडर टेंशन ऑफ 64 न्यूटन एक इज इन रेजोनेंस विद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब ट्यूनिंग फोक की और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर 1/2L अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहां से एफ की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू, चेक करो इसमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर है ना। सोनोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 अंडर रूट ऑफ टेंशन इज 64। मास की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1 × 10^-3 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 2 × 10^-2। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो मैंने आंसर लिखा हुआ है उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 400 हर्ट्ज की। तो आपको ये पता लग गया इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वह आपके पास 400 हर्ट्ज आ गई। ठीक, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज आ गई। कहां पे? लेंथ में 10^-2। हाँ क्यों, आपको 2 सेंटीमीटर नहीं गिवन? अच्छा 10 सेंटीमीटर गिवन है, ओके ओके 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसमें 10 × 10^-2 आएगा ना। हाँ तो मैं चेंज कर रहा हूं ना। अच्छा तो आप ये, सॉरी ठीक है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ 2 × 10^-2 और यहाँ पर लेंथ की जगह 10 × 10^-2, राइट 2 नहीं है, मुझे लगा 20 सेंटीमीटर है, ओके तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, मैं लिख देता हूँ, तो 20 सेंटीमीटर नहीं है, तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो जहाँ जहाँ एल दिख रहा है 10 × 10^-2 मीटर पुट कर लेना, ठीक। चलो जो भी है, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास यहाँ पे,
किसकी? ट्यूनिंग फोक की। अब वो कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फोक को वो दूर लेके जा रहा है, जो ट्यूनिंग फोक है उसको फार अवे लेके जा रहा है। अच्छा, दूर लेके जाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? कमी होगी ऑब्वियसली, बढ़ेगी क्यों, डॉपलर है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। और इससे उसको कितनी बीट सुनाई दे रही है? एक बीट पर सेकेंड। तो अगर ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है और ट्यूनिंग फोक दूर जा रहा है, एक बीट सुनाई दे रही है, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है? 399। डन हो गया यहां तक? तो फ्रीक्वेंसी थी कितनी? 400। फ्रीक्वेंसी सुनाई कितनी दे रही है? 399। कब? जब ये ट्यूनिंग फोक दूर जा रहा है, और साउंड निकाल कौन रहा है? ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक इस केस में, जो ट्यूनिंग फोक है वो कैसे एक्ट कर रहा है? लाइक अ सोर्स। सोर्स अगर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लगता है? वी बाय वी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है? 399। साउंड की स्पीड कितनी है? 300। वी की वैल्यू कितनी है? 300। सोर्स में ट्यूनिंग फोक की स्पीड कितनी है? वी ऑफ एस है। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400। तो यहां से वी ऑफ एस की जब जगह सॉल्व करोगे 0.75 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी आ गई। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द स्पीड विद विच ट्यूनिंग फोक इज मूव्ड अवे। असाइनमेंट दिखाना। हाँ, तो इसको प्लीज कट कर लो। टेक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 75 सेंटीमीटर, कट कर लो इसमें प्लीज। टेक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 75 सेंटीमीटर कट कर लो। इस क्वेश्चन में इन फेज का मतलब है मैक्सिमा। मैक्सिमा
देखो एक डिटेक्टर है एक सोर्स है, वो कह रहा है कि अगर मान लो कैपिटल एच हाइट से ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा डी बाई टू, ये हो जाएगा डी बाई टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, उतना ही हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से रिफ्लेक्शन होके आती है एक साउंड की, डिटेक्टर रिसीव करता है, तो साउंड इज इन, केस नंबर वन में क्या गिवन है, साउंड इज इन फेस। इन फेस का मतलब कि अगर क्रेस्ट आ रहा है तो क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ आ रहा है, तो यानी कि मैक्सिमा जनरेट होगा। तो ये पॉइंट किसका आएगा, मैक्सिमा का। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो साउंड है एक तो लंबे रास्ते से टकरा के जा रही है, यहां से टकराएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एच का स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। और एक डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करेगी जो कि कितना होगा, डी। तो एक ऊपर से आएगी और एक नीचे से आएगी, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। और क्योंकि मैक्सिमा का केस है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है वाली। अब ये नहीं बताया कि कौन सा मैक्सिमा है, बस एन की टर्म में, ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट केस नंबर टू, केस नंबर टू से अगर ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आएगी, अब ऊपर से रिफ्लेक्ट होने का मतलब पार्ट डिफरेंस कितने है? बोलो, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल लिया ना, ये जो डिस्टेंस है ये एच प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू है, ठीक, टू टाइम माइनस डायरेक्ट साउंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डी नीचे, डिटेक्टर तो नीचे ही है। और क्योंकि वो कह रहे हैं इस केस में क्या जनरेट हो रहा है, मिनिमा। क्यों मिनिमा, उसने बोला किस केस में कि नो सिग्नल इज डिटेक्टेड एट डी, अंडरलाइन कर लो, नो सिग्नल का मतलब मिनिमा, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ को क्या कर गया, कैंसल कर गया। तो ऑब्वियसली वो तो फ्रीक्वेंसी एक ही वेव है ना, साउंड तो वही है, डायरेक्टली वही जा रही है, ऊपर से वही आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम ही है, वो चेंज नहीं कर रहे हम, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस। तो इस केस में दिस मस्ट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू कितना, लैम्डा बाय 2, ठीक, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑब्वियसली इस केस में, दोनों केस में, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको इस केस में निकालना क्या है, आपको इस केस में लैम्डा निकालना है, तो ठीक है वहां से एन निकाल लो, यहां एलिमिनेट कर दो, बहुत बड़ा आंसर है लैम्डा का, बस निकालते रहना, लैम्डा आ जाएगा यहां से एच और एच की फॉर्म में, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं है, जस्ट वैसे बता रहा हूं कि बहुत बड़ा आंसर आएगा, एचसी का क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना, बहुत काफी बड़ा आंसर है इसका, बट समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें, बेसिक रूल समझ में आ रहा है, दो इक्वेशंस वाला। पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि एक वेव, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये पी पॉइंट है, तो एक वेव ने ये डिस्टेंस कवर किया, ये वाला, एक वेव ने ये डिस्टेंस कवर किया, ये वाला, तो इसमें कितनी वेव्स हैं, मान लो तीन वेव्स हैं, तो तीन वेव्स का मतलब मान लो 3 लैम्डा के पाथ है इसका, और मान लो इसमें 8 लैम्डा, कुछ भी 8 वेव्स हैं, तो दिस माइनस दिस 5 लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस है। तो अगर ये n लैम्डा हो जाता है तो मैक्सिमा, अगर 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 हो जाता है तो मिनिमा, ऐसे होता है। हाँ, इसका तो क्रेस्ट पे ट्रफ फॉल करेगा, हाँ। एक्चुअली क्या होता है, हम ऑप्टिक्स में करेंगे प्लस 2 में, जब वेव टकरा के आती है ना तो कभी कभी उसका फेज चेंज हो जाता है, क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडिंग वो मीडियम क्या है, तो लेकिन वो कह रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं लेना आपने, चेंज होता तो वो देता कि मान लो एक ऐड कर देते हैं कि मान लो यहां पर पाई का चेंज आ जाता है, क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो जहां मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा हो जाएगी, जहां मैक्सिमा वहां मिनिमा, कंडीशन रिसीविंग एंड पर उल्टी हो जाएंगी फिर, ठीक, थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा। प्लस टू में यही करते हैं हम, फेजेस चेंज करते रहते हैं और रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी लेते हैं हम, तो अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं फेज आप रिफ्लेक्शन से कोई चेंज नहीं लेंगे।
तो अच्छी बात है, इसमें आंसर बता रहे हैं मेरे को, फाइंड नंबर ऑफ बीट है, छह आंसर है इसका। देखो कह रहे हैं टू डिस्टेंट सोर्सेज सिचुएटेड टुगेदर एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 300, इफ वन ऑफ देम वर टू अप्रोच एंड अदर टू रिसीव फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ईच विद द वेलोसिटी ऑफ 1/100 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व। तो सपोज करो जो फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो सोर्स अप्रोच कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा फ्रीक्वेंसी का, और अगर दूर जा रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी बाय वी प्लस वी एस इंटू ये लगेगा। तो पहले केस में एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे, साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड, सोर्स की स्पीड इज वी बाय 100 क्वेश्चन में गिवन है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 300 गिवन है। और दूसरे केस में क्या बनेगा, दूसरे केस में वी बाय वी प्लस वी बाय 100 इंटू कितना 300, तो वी से वी कैंसिल, इनका डिफरेंस ले लेना, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा इसमें नंबर ऑफ बीट्स। तो जो मेरा आंसर है वो 6 बीट्स पर सेकेंड आंसर लिखा हुआ है, इसको माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करने की जो थी, विसल वाला क्वेश्चन है, वर्टिकल विसल घूमती थी याद है, कॉस थीटा को हम 1 लेते थे अप्रोक्सीमेटली, एंगल स्मॉल थे, तो वो नहीं करना, सेम है काफी, दो बार हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9th, देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, अ पुलिसमैन ब्लोज अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज एज अ कार मूव्स पास्ट हिम विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी गिवन है इसमें, 320 मीटर्स पर सेकेंड। जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि कार वाला ऑब्जर्वर है, सिटी कौन बजाएगा, पुलिस वाला, पुलिस वाला तो खड़े, तो सोर्स तो खड़े, तो कार आ रही है, सिटी सुन रही है और पास्ट वहां से निकल रही है, पहले अप्रोच कर रही है फिर दूर जा रही है, पहले पास आ रही थी फिर दूर चली गई। तो पहले हम इसमें दो केस करेंगे, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आएगी। जो कार सबसे पहले क्या करेगी, अप्रोच करेगी, जब ये इसे अप्रोच करेगी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और जब दूर जाएगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब दूर जाएगी।
तो आर्मीज ऑब्जर्वर है और पुलिस वाला जो है सिटी बजा रहा है, विसल बजा रहा है। आपको इसमें निकालना है व्हाट इज़ दी परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जो ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्वियसली परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो आप एफ डैश में से एफ डबल डैश को माइनस करोगे, यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर लेना एफ डैश को एफ डबल डैश को, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके 3.1% आएगी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कार पास आ रही है, कार दूर जा रही है, यानी कि ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो पहले कार पास आ रही थी सोर्स के, फिर कार दूर जा रही है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? जब कार जो ऑब्जर्वर है ना, तो ऑब्वियसली पहले एफ डैश थी, क्रॉस कर गया तो एफ डबल डैश हो गई, तो एफ डैश और डबल डैश का ही मुकाबला हो रहा है ना इसमें, क्योंकि उसका एफ नॉट तो तब सुनाई देगी जब बिल्कुल सामने आ जाएगा 90 डिग्री पे फॉर एन इंस्टेंट, वो केस हमने लेना नहीं इसमें। सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ सोर्स चेंजेस बाय 10%। देखो, उसने वर्ड चेंज यूज किया, उसने ये नहीं कहा कि बढ़ गई, उसने ये नहीं कहा कम, क्योंकि कह रहे खुद अंदाजा लगा लो कि बढ़ी या कम हुई। व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देखो अगर सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर रेस्ट पे इस केस में और जो सोर्स है वो इससे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? वी बाय वी प्लस वी एस इन टू एफ नॉट आंसर आएगा। अब वो कह रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली वो कम ही होगी सुनाई देगी क्योंकि सोर्स दूर जा रहा है। कितने परसेंट कम? 10%। तो कितनी सुनाई देगी? 90%, 0.9 ऑफ एफ नॉट हो जाएगा, 10% तो कम होगी, तो बचे कितनी? 90%। तो वी बाय वी प्लस वी एस इंटू कितना? एफ नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से ना सोर्स की स्पीड आ जाएगी आपके पास वी बाय 9, साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय 9, अगला केस सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि जो सोर्स की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 9 है। तो अब नेक्स्ट केस में अगर सोर्स ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है इसके पास आता है तो फ्रीक्वेंसी अब चेंज होकर सुनाई देगी कितनी? V बाय V माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। वी बाय वी माइनस वी एस की वैल्यू इज V बाय 9 इंटू कितना? एफ नॉट। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी
ठीक, जो कि सॉल्व करके कितना आ रहा है, वी एट वी नाइन एफ नॉट, 9/8 इंटू कितना एफ नॉट, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, केस नंबर वन में जब सोर्स दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 90%, 90% का मतलब 9/10 इंटू एफ नॉट। अब कितनी हो गई, इतनी आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, कौन है बड़ा, ये बड़ा, सोर्स पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। 9/8 वैसे भी ग्रेटर देन वन है, तो 9/8 इंटू एफ नॉट माइनस, पहले कितनी थी 9/10 इंटू एफ नॉट डिवाइडेड बाई 9/10 इंटू एफ नॉट इंटू 100, कितना 9/10। क्या करना चाहिए था एफ नॉट, क्यों क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। By what percentage will the apparent frequency be different? अच्छा, from the actual frequency. वो कह रहा है कि इस केस में आपको बताना है कि कितने परसेंटेज से apparent frequency, apparent समझते हो, जब वो चल रहा है, जब वो चल रहा है frequency changes from the actual. तो मैंने क्या किया, मैंने किस में से किसको माइनस कर दिया, मैंने मैंने माइनस किया इस में से इसको, जबकि उसने क्या कहा, फ्रॉम दी एक्चुअल, तो एक्चुअल वर्ड उसने यूज कर दिया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे इस केस को इससे कंपेयर नहीं करना, अब मुझे इस केस को किससे कंपेयर करना है, एफ नॉट से। अगर वो एक्चुअल वर्ड ना बोलता फिर ठीक था। तो यहां लिख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम एक्चुअल, फ्रॉम एक्चुअल का मतलब यहां पर एफ नॉट है, तो ये लो एफ नॉट बाई एफ नॉट, अब ठीक है, इंटू 100, राइट। तो जो भी आएगा आंसर आएगा, पढ़ना पड़ेगा यानी कि एक्चुअल है कि नहीं, अगर एक्चुअल है फिर एफ नॉट, अगर नहीं है फिर दोनों केसेस का कंपैरिजन हो जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मेल्डीज एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, प्लीज ये हमने किया नहीं हुआ, एक बार देख लो, ये लैब के अंदर किया जाता है, बट मुझे लगता नहीं कि आपके स्कूल करवाते होंगे। तो टॉपिक का नाम लिखो, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, so it is used to demonstrate, Meldy's experiment used to demonstrate stationary waves in stretched string, stationary wave in a stretched string। सोनोमीटर भी तो यही करता था, कुछ कुछ स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर काम करता था, ये भी बिल्कुल वैसे ही करेगा काम। इसमें कुछ इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ट्यूनिंग फोक
तो इसमें क्या होता है, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा, आगे स्ट्रिंग अटैच्ड है, जितनी जोर की ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। तो होगा क्या कि ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस में आ जाएगी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ। कुछ इस तरीके से। अब जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, एन नंबर ऑफ लूप्स इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो अगर मान लो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो एन वन इंटू ही हो जाएगा, अगर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो टू इंटू ही हो जाएगा, थर्ड मोड में थ्री हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो वेयर एन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लूप्स। मान लो चार लूप्स बनते हैं या तीन लूप्स बनते हैं, तो तीन लूप्स का मतलब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसमें, तो थ्री इंटू ये फंडामेंटल हो जाता है। तो इस केस में जो ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल रहती है। तो आपको इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मान लो मेंडलीज एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमेशा रेजोनेंस में रहेगी स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि प्रोड्यूस ही ट्यूनिंग फोक कर रहे हैं उन लूप्स को। तो होगा क्या, आपको क्वेश्चन में आएगा कि मान लो आपके पास केस नंबर वन है कि जब टेंशन की वैल्यू मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में मान लो 10 न्यूटन थी तो नंबर ऑफ लूप सपोज 8 बन रहे थे। तो बताओ केस नंबर टू में जब टेंशन की वैल्यू 18 न्यूटन हो जाएगी तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में n इंटू अंडर रूट ऑफ टी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में आना ही आना है हर केस में। तो केस नंबर वन बनाओगे वो भी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी शो करेगा, केस नंबर टू भी शो करेगा। तो इस केस में n into t is a constant, तो n1 into under root of t1 is equal to n2 into under root of t2। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है MLDs के ऊपर एक बार जरा देखो, स्प्रिंग तो ऐसे ही बनाया है, जरूरत नहीं है स्प्रिंग की, तो वैसे बना दिया कि अटैच है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए, बस ऐसे कर लो। स्प्रिंग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, स्प्रिंग इसमें कोई रोल नहीं है। स्ट्रिंग के लूप स्टेशनरी वेव्स के स्प्रिंग तो इससे बनाया ना कि वो एकदम एनर्जी लॉस नहीं होगा तो ऊपर नीचे आराम से आता रहेगा, नहीं तो ट्यूनिंग फोक रुक जाएगा ना जल्दी, तो स्प्रिंग उसको ऑसिलेट करवाता रहेगा, बस ये इसका पर्पस है और कुछ नहीं।
देखो दो केस है और लेट अस सपोज हम एक काम करते हैं, पहले मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में W1 वो जो मास लटक रहा था पुली के साथ, वेट W1 है जब किसमें है एयर में, और वेट W2 है जब किसमें है वाटर में या लिक्विड में। तो इस केस में नंबर ऑफ लूप्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है और मैंने आपको अभी भी बताया कि n1 into t1 is equal to n2 into क्या हो जाएगा इसमें t2। इस केस में n1 into वेट टेंशन W1 प्रोड्यूस करेगा और इस केस में W2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला लगा लिया सबने, तो फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। नंबर ऑफ लूप पहले केस में कितना गिवन है, 8 गिवन है और वेट इज W1। दूसरे केस में 10 गिवन है, वेट इज W2। तो यहां से W1 एंड W2 की रेशियो कितनी आ जाएगी, 25/100/64। चलो डन, ठीक। तो यहां से W1 और W2 की रेशियो आगे डन हो गया, ठीक, स्क्वेयरिंग कर लेना इससे, राइट। तो यहां से 25/16 आ जाएगी जो भी है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको याद हो या फिर रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट इन वाटर, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि वेट एयर में क्या होता है, W1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू G, और लॉस इन वेट क्या होता है, अप थ्रस्ट। तो इट मींस V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू G, अप थ्रस्ट में V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, एक ही बात है। तो ये डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो आपको इस केस में 1/1 - W2/W1 यहां से रेशियो पुट कर देना उल्टा करके, तो रिलेटिव डेंसिटी आ रही है 25/9, ऐसे आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, y की वैल्यू इज 4 साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 15 और इनटू कॉस ऑफ 96 पाई इनटू कितना t। तो आप इसे कंपेयर करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x से, और इसे किससे कंपेयर करेंगे ओमेगा t से, ठीक। कंपेयर करके पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैमडा इंटू कितना x। तो यहां से पाई कैंसिल, तो लैमडा की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी इसमें 30। और जो नोड्स हैं स्टेशनरी वेव में कहां सिचुएटेड होते हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो हर लैमडा बाई 2 पे सिचुएटेड होते हैं। लैम्डा कितने 30, तो 30/2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर पे नोट्स यहां पर मिलेंगे आपको हर 15 सेंटीमीटर पे। तो ये पार्ट क्लियर है कि नोट्स कहां मिलेंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है, व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल।
पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एंड में एक्स और टी पुट करेंगे. तो इसमें आप देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी, ये वैल्यू आपको निकालनी है. तो आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास y की वैल्यू तो है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ y, y की जगह 4 साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 15 इंटू कॉस ऑफ कितना 96 इंटू पाई इंटू कितना टी. तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो यहां से टाइम के डिफ्रेंसिएशन है तो x को हम क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट है. तो 4 इंटू साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 कॉन्स्टेंट है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 96 इंटू पाई इंटू टी. तो 4 साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 इंटू कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस साइन 96 पाई इंटू टी और इंटू डी बाई डी टी ऑफ 96 इंटू पाई इंटू टी. तो यहां से 4 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 15 इंटू माइनस बाहर आ जाएगा और साइन ऑफ क्या बचेगा 96 इंटू पाई इंटू टी, यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे 96 पाई कॉन्स्टेंट है तो आपके पास आएगा माइनस 4 इंटू 96 इंटू पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 15 इंटू साइन ऑफ 96 पाई इंटू टी. तो वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालो कब, एट एक्स इज इक्वल टू कितना 7.5 एंड टाइम टी इज इक्वल टू कितना 0.25. यहां पुट कर देना एक्स और टी तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सॉल्व करके आएगी यहां पर 0. मेडिकल में नहीं आएगा बट मैथ्स वाले लोग सॉल्व करते रहेंगे तो आंसर साइन और कॉस से इसका आंसर 0 आ जाएगा. अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि ना ये मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैथ्स वाले फिर भी शायद थोड़ा सा कर दे. मैथ्स वाले ये तो करते हैं कि सुपर पोजिशन से इन दोनों की सुपर पोजिशन सी एंड डी फॉर्मूला लगा के ये आंसर निकाल लेते हैं. तो इसको देखते हुए वो कह रहा है कि बताओ कि सुपर पोजिशन से इनका आंसर क्या होगा. तो उल्टा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें पूछ लिया कि इस केस में आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. और ये ना शायद 2 नहीं आएगा, ये √2 आएगा. √2 2 क्यों होगा, हाँ हाँ साइन साइन है दोनों के, राइट. वो आप अपने मैथ्स लगाएंगे जो भी लगाएंगे, तो मैथ्स लगा के इनवर्स सीडी लगाएंगे या जो भी लगाएंगे तो इसको ब्रेक करके इस तरीके से निकाल लेंगे. ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, मार्क कर लेना. नहीं करवाओगे आपको एक्चुअल वेव की इक्वेशन बतानी है. सुपर पोजिशन के बाद तो आंसर गिवन है ना, तो एक्चुअल वेव की 2 इक्वेशंस क्या थी कि जिससे कि आंसर आया, क्योंकि ये तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है. तो एक्चुअल वेव क्या थी, वो ये थी. देखो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मुश्किल, ऑब्जेक्टिव में आसान है. ऑप्शंस गिवन होंगे, सी एंड डी फॉर्मूला लगा के पता लग ही जाएगा कि आंसर क्या आएगा. तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कोई टेंशन नहीं. नेक्स्ट इजी है, ये फंडामेंटल स्ट्रेच स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, 13 ही रहने दो. क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेच स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल दी है बस. वी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू हो जाएगा, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है. देखो वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ गिवन, क्वेश्चन है. देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितने, 6 इंटू साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 15 इंटू कॉस ऑफ कितना 9 पाई इंटू टी. ये वैल्यू है. आपको वाई की वैल्यू क्या निकालनी है, मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब x की वैल्यू कितनी है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो पहली बात तो y की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब टाइम की ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब 6 इंटू साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 बच जाएगा और x की वैल्यू 5 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 3√3 आंसर आ रहा है इसका। कुछ भी नहीं करना, टाइम वाली टर्म को 1 पुट कर देना है तो ऑटोमेटिकली टर्म क्या हो जाएगी मैक्सिमम। एक पॉइंट नोट करो, रेजोनेंस ट्यूब का देखो टॉपिक का नाम है एंड करेक्शन इन एन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मीन जो आप एक पाइप लेते हो, इसमें एंड करेक्शंस क्या होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम ये लिक्विड कॉलम लेते हैं और ये ट्यूब है ऐसी, हम नॉर्मली डायग्राम ऐसा बनाते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये देखो ऐसे बनती है, ठीक ऐसे बनता है, एक एंड पर एंटी नोड है एक एंड पर नोड है। तो हम एंटी नोड कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। नोड कहाँ बनाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ बनाते हैं। लेकिन रियलिटी में ये होता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं या जो साउंड, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये ना थोड़ा बाहर की तरफ चले जाते हैं, जब साउंड यहाँ से टकरा के जाती है थोड़ी बाहर की तरफ चली जाती है और फिर टकरा के, मींस जो एंटी नोड है, इन शॉर्ट एंटी नोड यहाँ नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है। जो एंटी नोड है वो रियलिटी में यहाँ नहीं बनता बिल्कुल कॉर्नर पर, थोड़ा सा बाहर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पार्टिकल एकदम बाउंड्री पर तो है नहीं, वो हिलेंगे नहीं, वो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं ट्यूब के, तो एक्चुअल में एंटी नोड बाहर बनता है। और वो कितना डिस्टेंस बाहर बनता है, इस डिस्टेंस को 0.6 इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मींस जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी वी बाय 4L होती थी ना, ठीक, कब, जब एंटी नोड एकदम कॉर्नर पे बनता था और लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या था इसमें एल था। इस केस में अगर किसी क्वेश्चन में एंड करेक्शन गिवन हो, ई एंड करेक्शन गिवन हो, तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय एल प्लस ई। वैसे तो गिवन नहीं होती एंड करेक्शन कभी भी, तो हम वी बाय 4 एल लेते हैं, लेकिन अगर गिवन हो कि एंड करेक्शन लेनी है तो लेंथ में एड करनी पड़ेगी ई की वैल्यू, वेयर ई 0.6 आर। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर क्योंकि एक्यूरेट नहीं आता ना, तो थोड़ा बाहर की तरफ जाता है एंटी नोड, तो वो अगर कंसिडर किया जाए तो ये याद करना पड़ेगा आपको, फिक्स्ड है इतना थोड़ा है कि यार एंड डायरेक्शन ले लिया, अब इसकी एंड डायरेक्शन क्या लेगा एंड की भी, ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लो ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड, तो ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो ये लेंथ एल, तो एक एंड करेक्शन ऊपर निकलेगी एक एंड करेक्शन नीचे निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होता था, v बाय 2l ना, तो इसकी जगह क्या चेंज हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स l प्लस 2 इनटू e, दो एंड करेक्शंस होंगी ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक, अगर गिवन हो तो।